वेलकम टू ट्विस्टेड रेसिपीज़ बाय पूनम। तो अब बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आई वॉज क्वाइट बिजी। तो आज हम कौन सी रेसिपी ट्विस्ट कर रहे हैं? आप यहाँ देख रहे हैं पाव है, बटर है, वेजिटेबल्स हैं कटी हुई, येलो ग्रीन एंड रेड बेल पेपर्स, मशरूम, कॉर्न और उसमें छोटी छोटी कटी हुई हरी मिर्च, पिज्ज़ा पास्ता सॉस, वी हैव चीज़ एंड वी हैव गार्लिक पाउडर। वो मैं आपको दिखाना चाहती थी जो मैंने बटर में डाला है। और ये हमारे पास 2 पाव के पैकेट हैं। आज हम पुल अप 8 पाव बनाएंगे रेडीमेड पाव के साथ, ताकि आपके घर को एकदम से आ जाए तो आप फटाफट उसको बना के उनको खिला सकें। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे हमने बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले ये रेड येलो ग्रीन बेल पेपर्स मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई हैं, 3 है ये। और ये आपका 1/2 कप कॉर्न है और इसमें 5 to 6 मशरूम्स हैं जो बारीक बारीक काटे हैं, और 2 हरी मिर्चें हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई। ये रही, ये है गार्लिक पाउडर जो मैंने, जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में, जो मैंने 100 ग्राम्स बटर में ऐड करा है। ये आप इसको गर्म कर लें और उसमें ऐड कर लें। ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, ये हमारा डाइस्ड चीज़ है जिसमें ब्लेंड है मोजरेला और चेडर चीज़ का। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो इसको आप लें। जब आपको यूज़ करना है तो आप इसको निकाल लें, नहीं तो इसको आप ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, आपके टॉप कंपार्टमेंट में रहने दें फ्रिज के। और ये 100 ग्राम बटर हम 2 पाव के पैकेट में यूज़ करेंगे। तो मैं ये पैकेट खोल के इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे काटेंगे और कैसे रेडी करेंगे। साथ में ही हम अपने अवन को ऑन कर लेते हैं कन्वेक्शन मोड पे एट 180 डिग्रीज टू गेट हीट अप। ये रहा मेरा पाव, इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके लिए आप नाइफ, ब्रेड नाइफ यूज करें, ताकि वो थोड़ी जिसकी धार तेज होती है, ताकि कटिंग आपकी अच्छी हुई। ये रही मेरी ब्रेड नाइफ। तो हम पहले स्लिट ऐसे लगाएंगे स्ट्रेट, थोड़ा डीप तक लगाएं, अलग नहीं होने चाहिए पाव बीच में से। ये रहा, और फिर हम इसको टर्न करके, फिर हम इसको मतलब एक पाव के 4 हिस्से करेंगे आप, पर नीचे तक नहीं काटेंगे, नहीं तो वो अलग हो जाएंगे। दैट्स इट, ये देखिए ये इसका बन गया। अब मैं इसको प्लेट में रखती हूँ एंड अब इसके अंदर जो है, हाँ ये देखिए, अब इसके अंदर हम बटर लगाएंगे। ये मेरा गार्लिक बटर है विच आई एम गोइंग टू पुट। लिबरली लगाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा, कम कम नहीं लगाएंगे, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। तो इसको इसके अंदर हम फिल कर लेंगे। ये जो बटर है सारे कंपार्टमेंट्स में लगाएंगे आप, जितने आपके कट हैं, ताकि हर जगह फ्लेवर आए उसका, बटर का। ये हो गया, अब हम इसके में अंदर लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस। ये हमारी सॉस, केरी सॉस, और इसको अब हम इसके अंदर लगाएंगे। इसको भी ऐसे लिबरली लगाएंगे ताकि सारी जगह सॉस का टेस्ट आए, डोंट मिस आउट ऑन द फ्लेवर। बहुत ज़्यादा इसको पुल ना करना, नहीं तो ये सारा अलग हो जाएगा, फिर वो जो पुल अपार्ट वाली फीलिंग है वो नहीं आएगी ब्रेड में से। हो गया, सब में लग गया। अब इसमें हम वेजिटेबल्स फिल करेंगे। ऊपर से आपको सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा पिज्जा टॉपिंग डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है काफी। ये हमने सारा कर दिया, मैंने बेकिंग डिश में इसको रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ आपकी पिज्जा सीजनिंग फॉर टेस्ट, सॉल्ट बटर से आ जाएगा ऑलरेडी, एंड ऊपर से हम डालेंगे इसमें चीज। दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, आपको कैसा पसंद है आप उतना चीज डालें। इसके अंदर हो गया डन। अब ये जाएगा हमारे अवन के अंदर, इसको अवन में डाल देती हूँ मैं फॉर टिल द टाइम ये सारा चीज पिघल ना जाए, इसको हम अवन में डाल देंगे। दैट्स ऑल,
ब्रेड हमने डाल दी है अवन में होने के लिए, तो जो है ये आप जरूर बनाएं कभी, एकदम से आपके घर कोई आ जाए तो इट इज़ अ वेरी नाइस साइड डिश, अ स्नैक विच कैन बी सर्व, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसको ज़रूर बनाएं और खाएं। और हम वेट करते हैं जब तक हमारा चीज़ पिघलता है, तो हम तब तक हम वेट करते हैं, आप भी वेट करो, मैं भी वेट करती हूँ, निकलता है बाहर, सारा चीज़ पिघल जाता है, रेडी होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा लगेगा। और जब आपने खाना है तभी इसको बनाएं, इसको इन एडवांस बना के ना रखें क्योंकि फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। तो गरम गरम बनाएं, गरम गरम खाएं, आपको कोई डो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमने डो फर्मेंट करना है, उसको राइस करने के लिए रखना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाव का पैकेट लाएं और फर्स्ट क्लास पुल अपार्ट आप पाव बनाओ और सबको खिलाओ अपने घर के अंदर। सो लेट्स वेट फॉर द पुल अपार्ट पाव टू कम आउट। ये रीजी हमारी पुल अपार्ट ब्रेड एकदम रेडी टू ईट। थोड़ा सा धनिया इस पे स्प्रिंकल कर दिया हमने और ये बिल्कुल क्रिस्प हो गई है साइड से क्योंकि हमने बटर लगाया था। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प हो गई है साइड से, तो दिस इज रेडी टू सर्व। तो इसको खाएं खिलाएं, एंड इफ यू लाइक इट, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द डिश, डू लीव अ स्मॉल कमेंट, इट मीन्स अ लॉट, इट मोटिवेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे आई कम अप विद मोर वराइटी ऑफ फूड, मोर ट्विस्टेड रेसिपीज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।